संयुक्त किसान मोर्चा जिला पठानकोट वालों पठानकोट कंट स्टेशन के उपर जोड़ा केंद्र सरकार के खिलाफ जो रोस प्रदर्शन किया जा रहा है। तुम तस्वीर भी देख सकते हो किसान जोड़े आ पटरी पर बैठ के जो अपना रोस जाहिर कर रहे हैं। तो किसानों ने आप गलबात की, उन्होंने सूँ दसिया कि जो रोस प्रदर्शन करने का जो कारण है केंद्र सरकार ने किसान अंदोलन जो दिल्ली के होया उस दौरान जोड़े वादे जोड़े आ किसानों किए थे, कोई भी वादा जोड़ा पूरा नहीं किया गया, जिसके चलद उन्होंने वालों ये प्रोग्राम जोड़ा लिखा गया। अज सवेरे 11 बजे तो लैके दोपहर 3 बजे तक जो रोस प्रदर्शन इतने किया जा रहा है। तो तस्वीर देख लो कि पुलिस बल भी काफ़ी व्डे तौर पर इतने जो मौजूद है पुलिस बल, क्योंकि कोई भी अनसुगामी घटना जी है ना वापर सके। किसानों ने जानकारी देते हुए दसिया कि जो तक केंद्र सरकार उन्होंने मंगा नहीं मनती उद तक ये धरना प्रदर्शन इदा जारी रहेगा, जो तक और जी सारी जिम्मेवारी है केंद्र सरकार की होगी। लक्की सरोज के आरटी न्यूज पठानकोट। मैं प्रेम सिंह आल इंडिया किसान सभा का जिले का प्रधान हाँ। जोड़ा अज धरना लाया जा रहा वो सरकार ने जोड़े किसानों वादे किए ही भाई एम एस पी आप खत्म करके इतने सरकारी जो रेट बनता वो देंगे, बिजली बिल 220 तो जेडे उत्थे धरने उत्ते लोकां जिहड़े शहीद होए ही उन्हां दे परिवारां नौकरियां ते उन्हां नूं अपना मुआवजा देवांगे। ते सरकार जिहड़ी इन्हां सारियां चीज़ां तों मुकर गई है ते हुण जिहड़ी इहने कमेटी बनाई है वो कमेटी जिहड़ी इहने अपने चहेतियां दी बनाई है उहदे विच जिन्ने भी किसान सभा संयुक्त किसान मोर्चे दे आगू ने उन्हां दी कोई राय नहीं लई गई ते उन अपनी मन मर्जी करके ना तो कोई यूपी का नुमाइंदा लिया, ना हरियाणे का लिया, ना ही उन्हें पंजाब का नुमाइंदा लिया। सो उस रोस वजो अं जो अज का जो रे लोगों धरना दिता गया ताकि सरकार के कन्ना तक आवाज़ पहुँच सके। अगर जे सरकार फिर भी साड़ियां मंगा नहीं मनेगी तो बड़े व्डे पद्धर से धरना देंगे। जय जनता जय संघर्ष लड़ जित लड़ते लोगों की। बलवंत सिंह को जनरल सकत्र जमहूरी किसान सभा जिला पठानकोट। अज का जोड़ा ये रेल रोको प्रोग्राम है ये संयुक्त मोर्चा दिल्ली वालों ऐलानिया गया, इस दे जोड़ा मोर्चा लगाने का ऐलान किया गया उसके पिछे जिहड़ियां किसानी दे नाल मोदी ने जदों दिल्ली दे विच धरना चलता सी कानून जिहड़े नूं रद्द किए सी ते नाल ही लिखती समझौता किसानां ते सरकार दे विच होया सी कि असी जिहड़ी एम एस पी है उहदी गरंटी देंगे, कानून बनावांगे, जिहड़े किसान शहीद हो गए उन्हां दे परिवारां नूं असी जिहड़ा आ उह माइक सहायता ते नौकरी देंगे। उहदे बाद च जिहड़े किसान ते परचे होए न उह असी सारे जिहड़े स्टेटां तों कह के ते वापस लवांगे। जिहड़े लखीमपुर खीरी दे विच कना कतलेआम होया उस दे विच जिहड़े असी तुहानूं पूरा इंसाफ देवांगे और जिहड़ा मंत्री है उहनूं जिहड़ा बरखास्त करांगे। ये सारिया गल्लां लैके जिहड़ा है वो एक इन्होंने समझौता किया सी, उस समझौते की उलंघना जिहड़ी है वो इन्होंने की 3 तरीक नूं 3 जुलाई नूं संयुक्त मोर्चे की जिहड़ी बैठक है वो अपने गाजियाबाद दे विच होई है। उहदे विच फैसला लिया गया सी कि बार बार सरकार ये कह रही है कि तुसीं अपने नुमाइंदे दिओ कि असीं कमेटी बनाईए, पर किसानां ने उहदे ते पूरी घोग की और उस घोग दे विच इन्होंने ये कढ़िया कि सरकार जिहड़ी है वो अपना दबदबा बना के जिवें वह पार्लीमेंट दे विच ना बहस करवा के कानून बना दिंदी है उस तरह किसानां दे नाल धोखा करके ते ये अपना जिहड़ा है अपना अपनी कमेटी बना के उस नूं लागू करके उहदे कोलों सर्वसंमति करवा के किसानां दे उत्ते मुड़ के दोबारा जिहड़े कानून ने लागू करवाने चाहुंदी है। इस करके ये घोख जिहड़ी है उदों जिहड़ी है संयुक्त मोर्चे की सच होई जदों 13 जुलाई नूं इन्हां ने कमेटी जिहड़ी केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई और 18 जुलाई में इनू नोटिफिकेशन कर दिता। उस कमेटी के विच इन्हां ने सब तो पहला तो जिहड़ा प्रधान बनाया वो संजय अग्रवाल बनाया। संजय अग्रवाल जिहड़ा आ वह एग्रीकल्चर का सकत्र रिटायर होया, उस दे नाल जिहड़ा नीति आयोग भारत है उहदा जिहड़ा मैंबर है अपना रमेश चंद्र उहदे कोलों पहला भी इन्हां ने कमीशन करवाया सी किसानी घोला बारे, उन्हें सारा किसान के खिलाफ़ बोलिया सी और अज भी जिहड़ा उन्हें खरड़ा तैयार किया है
जिहड़ा पिछले तीन कानूनों का ये उस रमेश चंद्र अगर उन्हें किया जिहड़ा अग्रवाल है इसने जिहड़ा उहदी वकालत की सी और इस दे नाल पांच मैंबर जिहड़े इन्होंने होर ले वो सारे BJP RSS के नाल उसकी विचारधारा के नाल सीधे असिधे तौर पर वो विचारधारा BJP ते RSS नाल जुड़े ने। इस करके ये सानू भरोसा नहीं है कि जिहड़ी ये कमेटी बनाई है जिहड़े इन्होंने आगू मैंबर पाए न वो सारे इन्हें अपने चेहते पाए न। 29 मैंबरी कमेटी के विच इन्होंने पंजाब हरियाणा ते UP नू बिल्कुल अनगौलिया किया, उन्हों का कोई मैंबर नहीं लिया, कोई किसी यूनिवर्सिटी का नहीं लिया। सब तो बड़ी देन हिमाचल अपने पंजाब हरियाणा तो UP दी यूनिवर्सिटियां दी जिन्होंने हरी क्रांति दे विच ये पूरा जोर ला के जिहड़ा हिंदुस्तान का अन्न पानी से वह पूरा किया। लेकिन अज इन्हां नूं छड्ड के उन्होंने वो पोलीटिकल मैंबर पाए न जिहड़े सिक्किम भूटान इधर उड़ीसा तो दूजिया स्टेटा चो जिन्हों का कि इस कानूनों के नाल इस खेतीबाड़ी के नाल कोई भी संबंध नहीं है। ये सारे कानून उन्होंने इसलिए पास किए न और हुण उन्हां दी ये चाल है कि ये जिहड़े कानून असी साडी मेजोरिटी है असी संयुक्त मोर्चे लई तीन खाने जिहड़े खाली कर रखे न तीन मैंबर उन्होंने लैणगे। हुण तुसीं दसो तुसीं आप सियाणे हो कि किसान क्यों ना ये एजिटेशन करे कि 29 दे विचों तीन मैंबर जिहड़े ने उन्हां दी की वैल्यू है उहदे विच 29 मैंबरी कमेटी दे विच। इस करके संयुक्त मोर्चा जिहड़ा दिल्ली है वह इन्हां कमेटी नूं जिहड़ा बिल्कुल रिजैक्ट करती है और अपना घोल जिहड़ा वो इन्हां सरकार दे खिलाफ़ जिहड़ा आरंभ किया इहनूं होर तेज़ करेगी। और अज तो बाद 14 तरीक नूं जिहड़ा आ वह अग्निपथ जिहड़ा मोदी सरकार ने जिहड़ा लागू किया है उहदे विरोध दे विच पूरे हिंदुस्तान दे विच जिहड़ियां वो कन्वेंशनां कीतियां जाणगियां और हर वर्ग के इंसान नूं जिहड़ा उहदे विच जगह दित्ती जाएगी वो ये करांगे। और इहदे नाल ही एक दो दिन के जिहड़ा लखीमपुर खीरी के 75 दिन का जिहड़ा धरना लगातार लागू करना है उत्थे उन्होंने और मंग करनी है। और इन्हां नूं शर्म की गल आनी चाहिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उस कहना अपने जिहड़ा दोषी हैगा है अजय मिश्रा उहदे ते उंगल उठाई है और उन्होंने कहा कि ये फोटुआं तो बिल्कुल साफ यार होंदा कि इहदा साजिश इहदे प्यो की साजिश और ये इंप्लीमेंट कर रहा किया इन्हें ये जी जमानत वो रद्द होनी है उन्होंने वो अपना वर्डक जरा वो रिजर्व रखिया। इस करके अज ये जरा धरना है ये संयुक्त मोर्चे के कहने जिला पठानकोट के जिड़िया शामिल जथेबंदियां उन्होंने वालों ये धरना जरा अज लगया गया और अगे जो भी प्रोग्राम संयुक्त मोर्चा दिल्ली आरंभेगा इस मोदी के खिलाफ असी उहदे विच बढ़ चढ़ के पूरियां जथेबंदियां जिला पठानकोट जिहड़ा संयुक्त मोर्चा वह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा तो लोगों को जागृत करके किसानों को जागृत करके तो ये अगे इंप्लीमेंट करेगा। किसान सभा का सत्यदेव सैनी साथी कह के गए ने समस्यावां दा इस तों अलावा जिहड़ियां कुछ गल्लां होर भी रह गई जिहड़े खेतीबाड़ी दे इनपुट है बीज तो लैके तो खादा तो लैके कीड़े मार दवाइया दी कीमतां वध गईआं रेट किन्ने यूरिया दे किन्ने हो गए दवाइया दे फिर डुप्लीकेट भी है ना दवाइया फिर उन्दे जिहड़ा ना मोनीटरिंग है नहीं कोई भी जे एक फसल नूं कोई स्प्रे करदा तो दूसरी मतलब दूसरे की जे दूसरी फसल है तो उहदे ते उहनूं नुकसान कर दिंदा। इहदे लई भी टैक्नीकल मोनीटरिंग भी होनी चाहिए है। नाल दे नाल ये है भई थले महंगाई इन्नी वधदी जा रही है छोटा किसान खेत मजदूर सभा खेत मजदूर की जिहड़ी जथेबंदी है वर्किंग क्लास है लेबर क्लास है उन्हां दी सारियां फैसिलिटीज जिहड़ी है मनरेगा स्कीम की भी ग्रांट रुक गई दी है कंस्ट्रक्शन वर्कर वाले भी रुक गए दी है तो ये नहीं है भी सिर्फ किसानों का अंदोलन है सारी मजदूर जमात का वर्किंग क्लास का मिडल क्लास का भी है जे जिन्हां नूं वादे कीते चाहे सेंटर होवे चाहे स्टेट होवे भी तुहानूं पक्के करांगे तुहानूं रेगुलर ग्रेड देंगे जिहड़े कई कई साल तो लगे आ रहे हैं उन्होंने उस तरह इत्थों तक कि रेलवे के विच भी जिहड़ा है ठेके के उत्ते ही काम हो रहा बहुता तो जब देश के लोग जिहड़ा है वो देश तो बनता है लोगों के नाल तो इन्होंने एक इस तरह का सिस्टम बनाता था कि कुछ कारपोरेट घरानों नूं फायदा दे रहे हैं मिनीमम सपोर्ट प्राइज भावें कुछ फिक्स की है भी उन्नी मिल नहीं रही वो मंडीकरण को खत्म जरूरी है मंडीकरण नूं भी खत्म किया जा रहा है तो जे अगर इस तरह का चाल रहे इन्हां दी तो जिहड़े पंजाब हरियाणा UP या होर स्टेटां विच मंडीकरण है वह भी मुक जाना हिमाचल दे फ्रूट की J&K फ्रूट है
जिन्ने भी हिल स्टेशन ने उन्होंने तो फ्रूट पैदा होंगे, जिहड़ा समुद्र के कंढे ते उत्थे होर तरह का फ्रूट पैदा होंगे उहदा भी मंडीकरण चाहिए। तो ये जिहड़ी है वर्किंग क्लास की किसानों की जिहड़ी है सारे की बंद खलासी लई सेंटर सरकार नूं चाहिए, स्टेट सरकारां नूं भी चाहिए है भई वो अपना जिहड़ा है तय किए फार्मूलियां दे अनुसार वो लागू करन, ते जिहड़े वायदे करते हैं उन्हां तों पिछे ना हो, उन्हां नूं लागू करन च थोड़ा समा तो हो सकता। जिस तरह किसानों नूं हुण पंजाब दे 100 करोड़ रुपया दिता गया ते साल पहले दे 2 साल पहले दे बकाए बाकी है, उहदे नाल फिर ब्याज भी देण। एक किसान है उहदा कन्याड़ कोऑपरेटिव मिल विच लोन का भी खाता है ते उहदा गन्ने का भी खाता है,